वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा कहते हैं कि आगाज तेरी मिन्नत से है अंजाम बड़ा अच्छा होगा और जो काम तेरी निस्बत से हो वो काम बड़ा अच्छा होगा। सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। फिर एक बार एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी नशिस्त, एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग के साथ मैं मोहसिन शेख आपकी खिदमत में हूँ। आज का विशेष कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है राजश्री वत्सल फाउंडेशन की ओर से, आदरणीय श्री वत्सल परीख साहब, जिनकी की माता जी की आज 91st बर्थ एनिवर्सरी है और इसी के मौके पर ये समर्पित है उनकी माता जी की याद में भारतीय सिने संगीत के उन अमर व्यक्तित्वों को जिन्हें हम संगीतकार शंकर जयकिशन जी और पार्श्व गायक मुकेश जी के नाम से जानते हैं। वो चांद खिला, स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत और खूबसूरत प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, ये वो अमर व्यक्तित्व के मालिक फनकार थे जिनका शरीर भले ही इस दुनिया से ओझल है, इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन जो धरोहर, जो विरासत उन्होंने छोड़ी है वो बेमिसाल है, लाजवाब है। उसका वर्णन, उसका बयां शब्दों में नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक उनके गीत और उन्होंने का संगीत हिंदुस्तानियों के दिलों में धड़कन बनकर धड़कता रहेगा। आइए उन्हीं बेमिसाल और लाजवाब शख्सियतों को आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं शंकर जयकिशन जी की एक बहुत ही अद्भुत कंपोजिशन जिसे पार्श्व गायिका आदरणीय लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया है और हमारे शहर अहमदाबाद की एक बहुत ही समर्पित प्रोमिनेंट एंड प्यारी सी कलाकार डॉक्टर पायल वखारिया जी फिर एक बार हमारे साथ है इस खूबसूरत और सुहानी शाम में लता जी का गाया हुआ वो खूबसूरत गीत लेकर। नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज काफ़ी दिनों बाद मैं किसी फेसबुक लाइव में उपस्थित हुई हूं तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और सबसे पहले तो मैं राजश्री वत्सल फाउंडेशन के वत्सल परीख जी और मुख्तार शाह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं आज के इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। और आज जिनकी मेमोरी में ये शो होने जा रहा है वो शकुंतला बहन यानी वत्सल परीख जी के मदर, उनको मेरा शत शत प्रणाम और बस उन्हें याद करते हुए आज का ये पहला गाना मैं शुरू करने जा रही हूँ। शुक्रिया। Thank you.
वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात जब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात जब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात जब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात जब मतवारी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पायल वखारिया जी थी जो आज के हमारे इस कार्यक्रम का शीर्ष गीत, जी हाँ, वो चांद खिला आपकी नजर कर रही थी। 1959 की फिल्म थी अनाड़ी, जिस फिल्म के लिए मशहूर संगीतकार ड्यो शंकर जयकिशन जी को पार्श्व संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था और नूतन जी पर इसे पिक्चराइज किया गया था। दोस्तों साथियों, शंकर रघुवंशी जी और जयकिशन पंचाल दोनों ही कहते हैं अलग अलग हिस्सों से आए हुए दो बहुत ही होनहार और कुछ नया करने की चाह रखने वाले नौजवान एक कॉमन जगह पर मिलते हैं जहां उनकी दोस्ती होती है, चंद्रकांत भट्ट मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की ऑफिस पर। वहां से जयकिशन जी को लेकर के शंकर जी पृथ्वी थिएटर के पृथ्वीराज कपूर जी के पास ले जाते हैं और वहाँ से कहते हैं कि इन दोनों का जो है
वो दोस्ती, याराना और कैरियर की शुरुआत होती है। और शुरुआत में वो पृथ्वीराज जी, यानी मशहूर अदाकार पृथ्वीराज जी के ड्रामास को, उनके जो हिंदी प्ले होते थे उसको एज ए म्यूजिशियन, राम गांगुली साहब के निर्देशन में एज ए म्यूजिशियन जाते थे, गांव गांव शहर शहर घूमते थे। लेकिन दोनों को बहुत कुछ कर गुजरने की चाह थी। तो होता ये था कि राज कपूर जी जब साथ होते थे तो उनको बैठ करके वो दोनों अपनी सेल्फ कंपोजिशन सुनाया करते थे। तो कहते हैं ना कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो फिर ये हुआ कि आग फिल्म में राम गांगुली जी के साथ, पहली फिल्म वैसे सफल थी, बहुत सफल थी, लेकिन थोड़ा मनमोटाव हुआ। और शंकर जयकिशन जी को इसका फ़ायदा ये हुआ कि राम गांगुली को असिस्ट करने वाले शंकर जयकिशन को राज कपूर जी ने अपनी दूसरी फिल्म बरसात में इंडिविजुअल म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से साइन किया। फिर क्या था, बस मौके की तलाश और मौका मिला। और फिर क्या कहें जी, नहीं चौका नहीं, मेरे ख्याल से तो सिक्सर पे सिक्सर लगाई। वो फिल्म के सारे गीत सुपर डुपर हिट थे, लेकिन जो पहली कंपोजिशन राज कपूर जी को इस फिल्म के लिए पसंद आ गई थी, जिसने शंकर जयकिशन जी के लिए आर के स्टूडियो के दरवाजे खोल दिए थे, वो कंपोजिशन को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार अब आपसे रूबरू हैं। नाम है नैना शर्मा जी, एक ऐसी अद्भुत कलाकार जो फिलहाल अर्बन गुजराती मूवीज़ में काफ़ी दमखम दिखा रही हैं अपनी पार्श्व गायकी का, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है। तो आज हमारे साथ हैं वो, आइए अगली एक बहुत ही खूबसूरत पेशकश नैना शर्मा जी लेकर आपकी खिदमत में। जिया भी करार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया भी करार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ, 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 ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे, वो सब देखे हम तरसे। ओ, 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 सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे, हो सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया, ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया, ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार, मिट्टी में मिल जाए, हो मिट्टी में मिल जाए। ओ नैनों से एक तारा टूटे, मिट्टी में मिल जाए, हो मिट्टी में मिल जाए। आंसू की बरसात पलमवा, दिल में आग लगाए, आंसू की बरसात पलमवा, दिल में आग लगाए, दिल में आग लगाए। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। वाह क्या बात है, बिल्कुल यही कंपोजिशन जिसके जरिए शंकर जयकिशन नाम के इन अद्भुत व्यक्तियों का, कहते हैं, उदय हुआ। उनका सूरज जो है उसका, कहते हैं, बिल्कुल रोशनी बिखेरना शुरू हुआ। उनका सूरज बहुत खूबसूरत सवेरा लेकर आया। और ये इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, जब लाला जी के साथ, पृथ्वीराज जी के साथ, राज कपूर जी के साथ ये लोग एज ए म्यूजिशियन जाते थे, तो पूना में एक नाटक के रिहर्सल के बाद रात में बैठे थे, तो जयकिशन जी और शंकर जी को राज कपूर जी ने कहा कि यार चलो आज क्या कुछ बनाया कि नहीं बनाया। शंकर जी बोले, बहुत ही मुँह फट बोलने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि बनाया तो बहुत कुछ है, लेकिन राज साहब आप तो सिर्फ मेहनत करवाते हो, इतनी सारी कंपोजिशन आपको सुनाई, आपने कभी भी हमको अब तक मौका नहीं दिया।
राज कपूर मुस्कुराए, बोले ठीक है चलो एक आध और कुछ नया बनाया तो सुनाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद हो सकता है अगली फिल्म तुम्हें दे दूँ। तो फिर क्या था, शंकर जी ने पेटी बाजा निकाला, हारमोनियम, और बैठ गए। और उन्होंने कुछ कहीं सुना होगा या मुखड़ा खुद बनाया होगा ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये गाना जो है ये बाद में बना, इसकी धुन पहले बनी। और उन्होंने सुनाया हारमोनियम पर सुर छेड़ते हुए कुछ इस तरह कि अम्बुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, आजा मोरे बालमा फिर काहे की देर है। और राज कपूर जी को पता नहीं क्यों क्लिक हो गया कि क्या बात है, यही चाहिए। और फिर हसरत जयपुरी साहब को कहा गया इस पर धुन लिखने के लिए, और फिर जो हुआ वो किसी इतिहास से कम नहीं है। जी हाँ, और हम आज फेसबुक लाइव के जरिए RVF के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपकी नज़र शंकर जयकिशन जी के साथ साथ मुकेश जी की भी बातें कर रहे हैं। तो आइए, बहुत आंखें इंतज़ार में होगी शायद। जी हाँ, वैले दोनों ही बहुत ही अद्भुत कलाकार थीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे दीवाने तरस रहे होंगे एक खूबसूरत चेहरे को देखने और एक दिलकश आवाज़ का मजा लूटने। समझ गए ना? हाँ यार, आप खिलाड़ी लोग हैं, भले ही पहला गाना हमने गाया हो अनाड़ी का, लेकिन आप सब खिलाड़ी लोग हैं। तो अब उस खिलाड़ी को बुला रहा हूँ, जैसे राज कपूर जी का जिक्र शंकर जयकिशन जी, हसरत साहब, शैलेंद्र साहब, रघु कर्माकरण और मुकेश जी के बगैर अधूरा है, वैसे ही मुकेश जी की महफिलों का जिक्र इस अद्भुत व्यक्ति के बगैर अधूरा है। जी हाँ, आप सबके अपने हर दिल अजीज और स्टेज की दुनिया का सुरीला सुरूर मुख्तार शाह, आप सबों के सामने। दोस्तों, अद्भुत प्रतिभा, क्या कहने, आप सब जानते ही हैं बहुत अच्छे से इनकी शख्सियत के बारे में। तो अब कुछ खूबसूरत बातें और मुकेश जी के गानों की खूबसूरत पेशकश के साथ आइए मुख्तार शाह साहब को सुनते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, साथियों, आज काफ़ी वक्त के बाद पिछले जो ऑनलाइन प्रोग्राम होते रहे वो हमारे YouTube चैनल पर होते रहे, लेकिन काफ़ी वक्त के बाद मेरे Facebook पेज पर आज ये प्रोग्राम हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। वीकडेज होने के बावजूद आप इतनी सारी तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत मुझे खुशी होती है आप सब लोगों को जब मैं ऑनलाइन देखता हूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीकडेज में प्रोग्राम करने की वजह तो मोहसिन ने भी बताई और पायल जी ने भी कहा कि आज जैसा कि प्रोग्राम RVF की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, राजश्री वत्सल फाउंडेशन की ओर से, तो वत्सल परीख साहब की मदर शकुंतला जी का आज 91st उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और इस मौके पर उन्हें खास उनकी याद में आज का ये प्रोग्राम RVF द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, वो चांद खिला, जो प्रोग्राम का टाइटल सॉन्ग भी था। आज का ये प्रोग्राम, अब जो गाने होंगे वो ऑल बेस्ड ऑन मुकेश जी और शंकर जयकिशन, यानी सारे के सारे आज के प्रोग्राम में जो गाने हैं वो शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए हुए हैं, और मुकेश जी के चाहे सोलो होंगे या ड्यूट्स गाने होंगे। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ आप जुड़े रहिए इस उम्मीद के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पहला गाना हम शुरुआत कर रहे हैं, जिस देश में गंगा बहती है, इस खास गाने के साथ आप सब मेहमानों के स्वागत स्वरूप ये गीत मुकेश जी का गाया हुआ। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं,
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों साथियों। ये प्यारा गाना, एक वक्त था कि राज कपूर चाहते थे कि ये गाने को हमारा राष्ट्रीय गीत घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे इसके सेंटिमेंट्स हैं, इतनी अच्छी बातें इस गाने में लिखी गई हैं शैलेंद्र जी ने। बहरहाल अगला जो गाना है, अगेन राज कपूर जी पर फिल्माया गया है, ये भी गीत है। और मुकेश जी ने जब जब राज कपूर जी के लिए जो गाने गाए हैं वो वैसे भी बहुत ही ख़ास गाने बने हैं। एक ऐसा गाना, ऐसा संगीत जो पहली मर्तबा हिंदुस्तान का संगीत हिंदुस्तान से बाहर जाकर विदेशों में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। तो ये गाना फिल्म आवारा से, 1951 की ये फिल्म, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ फिल्म का टाइटल गाना। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान डगर अनजान नगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर कमारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ,
आवारा हूँ, आवारा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, आवारा फिल्म का ये टाइटल गाना था। शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में ज़्यादातर गाने जो हैं वो शैलेंद्र जी ने लिखे और हसरत जयपुरी साहब ने लिखे। पहले दो गाने जो मैंने गाए वो शैलेंद्र साहब के लिखे हुए थे, अब जो गाना आपको सुनाने हम जा रहे हैं वो हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ गाना है। और रात और दिन इस फिल्म से गाना है, फिल्म का टाइटल गाना है, 1967 की ये फिल्म है और बहुत ही मशहूर गाना, आइए हम आपको सुनाते हैं। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राना दिखाए, पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राना दिखाए, ऐसा उजाला कोई मन में समाए जिससे पिया का दर्शन मिल जाए, रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय, गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय, जिसका हो दीप वो सुख नहीं पाए, जोत दिए कि दूजे घर को सजाए, रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन। थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही खूबसूरत गीतों की महफिल है वो चांद खिला, आज विशेष करके मुकेश जी और शंकर जयकिशन जी को हमने विषय बनाया है हमारे इस कार्यक्रम का। और आदरणीय पूजनीय शकुंतला जी जो कि हमारे वत्सल परिक साहब की वालदा है, मदर है, उनकी याद में आज उनकी 91
बर्थडे है और 51 साल उनको इस दुनिया से गुजरे हुए हो चुके हैं और उन्हीं को समर्पित है ये कार्यक्रम। और वजह यह है मुकेश जी के गीतों को सिलेक्ट करने की कि मुकेश जी के गानों की जो है वो हमारे वत्सल परीख साहब की वालदा बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन रही हैं और न केवल फ़ैन रही हैं बल्कि मुकेश जी के परिवार से और ख़ास करके उनकी जो पत्नी थी मुकेश जी की सरला देवी साहिबा जिन्हें बची बहन प्यार से कहते थे उनके साथ रिस्पेक्टेड शकुंतला जी के बहुत ही अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे, बहुत अच्छी मित्र थी उनकी वो। और यही वजह है कि आज जब उनको हम याद कर रहे हैं तो हमने उनकी याद में मुकेश जी के गीतों का कार्यक्रम संजोया है। आप देख चुके होंगे स्क्रीन पर बिल्कुल मुख्तार जी के साथ नैना जी ने अपनी जगह ले ली है तो बहुत ही खूबसूरत से ड्यूएट के साथ ये अद्भुत कलाकार आपकी नज़र कुछ यादगार गीत पेश करेंगे। छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए बालम मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए छूट गया बालम छूट गया बालम आए साथ हमारा छूट गया टूट गया बालम टूट गया बालम मेरा प्यार भरा दिल टूट गया फूल संग मुस्काए कलियां मैं कैसे मुस्काऊं बादल देख के भर आया किया बादल देख के भर आया किया छम छम नीर बहाऊं छूट गया बालम छूट गया बालम है साथ हमारा छूट गया टूट गया बालम टूट गया बालम मेरा प्यार भरा दिल टूट गया दिल की लगी को क्या कोई जाने मैं जानूं दिल जाने पलकों की छाया में नाचे दर्द भरे अफसाने आए दर्द भरे अफसाने छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए बालम मुझे साथ हमारा छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए। थैंक यू दोस्तों साथियों। एक और ड्यूएट गाना बरसात फिल्म 1949 की फिल्म जो मेरे ख्याल से दूसरी फिल्म थी शायद आरके प्रोडक्शन की और उसके बाद अगला जो गाना है वो उनकी प्रोडक्शन की तीसरी फिल्म आवारा से जिसका टाइटल गाना हमने पहले आपको सुना है अभी ड्यूएट गाना आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने इस गाने को गाया है शैलेंद्र साहब ने इस गाने को लिखा है। दम भर जो उधर मुँह फेरे
पर जो धर्म फिरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी, दम भर जो उधर मुँह फिरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी। दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ, चांद को चंदा रोज ही देखे, मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात, बादल में अब छुप जा रही ओ चंदा, प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी, दम भर जो इधर मुंह फेरे, दम भर जो इधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरे दो चार कर लूंगा। मैं चोर हूँ, काम है चोरी, मैं चोर हूँ, काम है चोरी, दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम, आना तू गवाही देने ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूँगा, नजरे तो चार कर लूंगा, दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी, दम भर जो उधर मुँह फेरे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत दोगाना ये खूबसूरत दो कलाकारों ने आपकी नज़र किया। राजश्री वत्सल फाउंडेशन, जो कि बिल्कुल दोस्तों साथियों बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए भी जाना जाता है, चैरिटी के बहुत सारे कार्य आदरणीय वत्सल फाउंडेशन जी के द्वारा, आदरणीय वत्सल परीख जी के द्वारा दुनिया के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। और अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, और फर्स्ट जब कहते हैं इसका फेज़ आया था कोरोना का, तब भी राजश्री वत्सल फाउंडेशन ने काफ़ी नीडी पीपल्स को बहुत मदद की थी। अभी जब सेकंड फेज़ को हम सामना कर रहे हैं, तो इसमें भी राजश्री वत्सल फाउंडेशन ने काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों को बहुत हेल्प की है, फिर वो चाहे मेडिसिन हो या फिर मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स तकसीम करने हो या ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन्स जो हैं वो देने हो, ये सारी जो कहते हैं खिदमत के जो काम है, ये सब करने की प्रेरणा यकीनन हमारे वत्सल परीख साहब की माता जी रही हैं, क्योंकि उन्होंने भले 40 साल का छोटा आयु कहते हैं उनको ईश्वर ने दिया था, लेकिन अपने इस छोटी सी जिंदगी में उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रेरणा मिले, ऐसे काम किए हैं, और ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज वत्सल जी भी उस परंपरा को अपनी माता जी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। और बस हम भी दुआ करते हैं कि ये सिलसिला जो है वो ऐसे ही साल दर साल चलता रहे। बिल्कुल बधाई के पात्र हैं आदरणीय वत्सल परीख साहब के, जब वक्त पड़ता है तो वो औरों के काम आना नहीं भूलते। तो आज
ये कार्यक्रम उनकी माता की याद में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं पायल जी को अगले मकाम पर बुला रहा हूँ। ये भी एक खूबसूरत दोगाना है, और राज कपूर जी, शंकर जयकिशन साहब, मुकेश जी, लता जी, हसरत साहब, शैलेंद्र साहब, रघु कर्माकरण, ये तमाम लोग ऐसे दिग्गज लोग थे कि इनके बारे में अगर एक एक इंडिविजुअल लोगों के बारे में कहने बैठें तो ऐसी 15-20 महफिलें सजानी पड़े, क्योंकि इतने न केवल इनके लिखे हुए गीत और संगीत का खजाना हमारे पास है, बल्कि इनके अफसानों की, इनके दास्तानों की, इनकी कहानियों की भी बहुत बड़ी फहरिश्त है। तो बात यहाँ हम वो सब नहीं करनी है, हम आज एक म्यूजिकल इवनिंग का हिस्सा हैं, तो हम कुछ खूबसूरत और यादगार गीतों का मजा लेंगे। आइए अगला एक ऐसा ही खूबसूरत दोगाना, ये दो खूबसूरत कलाकार आपकी नजर कर रहे हैं। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में, ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में, पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। थैंक यू। अगले गाने के लिए आइए एक बार फिर से मैं नैना जी को बुलवा लूँ। राजहट फिल्म से ये गाना है, शायद फिल्म बहुत लोगों के लिए नाम सुनते थोड़ा सा ऐसा लगता हो कि ये कौन सी फिल्म है, लेकिन गाना बहुत मशहूर है, और मेरे ख्याल से शायद प्रदीप कुमार जी रहे 1956 की ये फिल्म है, हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ गाना है, लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने गाया है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि शंकर जयकिशन के संगीत बद के बहुत खूबसूरत गानों की फहरिस्त आज RVF द्वारा बनाई गई है, जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा सहारा।
दो चांद के सामने। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे, मगर मेरी नजरों से छुपना ना तुम। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे, मगर मेरी नजरों से छुपना ना तुम। ओ, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बस आया है जब अपने दिल में तुम्हें, बस आया है जब अपने दिल में तुम्हें, निभाना ही होगा इस इकरार को। ये वादा करो चांद के सामने। बहारों के साए में आ घूम ले, भुला दे जमाने के हम आज तो। बहारों के साए में आ घूम ले, भुला दे जमाने के हम आज तो। जमाने के गम से हमें काम क्या, जमाने के गम से हमें काम क्या, हमें तुम मिले और क्या चाहिए, हमें तुम मिले और क्या चाहिए, कि हम छोड़ बैठे हैं संसार को। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। थैंक यू। वाह क्या बात है, क्या रोमानियत से भरपूर शायरी। गीतकार हसरत जयपुरी साहब को जितना हम कहते हैं सल्यूट करें कम है। कितना खूबसूरत लिखा है, ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो ना दोगे मेरे प्यार को। चांद केवल हमारा मामा ही नहीं, हमारा भैया ही नहीं, बल्कि कई बार हमारे लिए वो ऐसा जिंदगी का महत्वपूर्ण किरदार बन जाता है कि हम उसको देखकर रस्में कस्में खाने पर आमदा हो जाते हैं। ये शायरों की विजनरी जो है वो बहुत बहुत अद्भुत होती है। वैसे कहते हैं ना, दुनिया की सच्चाई है कि आप घास को देखेंगे तो वो हरा ही नज़र आने वाला है, लेकिन एक शायर की नज़र से आप उस घास में बहुत सारे रंग देख सकते हैं। तो ये शायर का कमाल है जो हमारे आसपास के नज़ारों को अपनी कलम के ज़रिए और भी खूबसूरत, बहुत ही हसीन बना देता है। ऐसे ही खूबसूरत गीतों का ये गुलदस्ता फिर एक बार हम शकुंतला देवी जी को याद करना इस मकाम पर ज़रूरी समझते हैं, जो कि हमारे आदरणीय वत्सल परिक साहिबा की वालदा है। उनके, जैसा कि मैंने पहली बात में कहा है कि मुकेश जी उनके बहुत पसंदीदा गायकों में से थे, तो उनके कुछ पसंदीदा गीत भी थे। अगला जो गाना है ये रिस्पेक्टेड शकुंतला जी को बहुत ही बेहद ही पसंद था, जो मुकेश जी के द्वारा गाया गया है। और एक बात और बताता चलूं कि स्क्रीन पर बहुत सारे लोग, संभव है हर कार्यक्रम में होता है मुख्तार जी, आप जैसे अद्भुत कलाकार के साथ जब हम मंच साझा करते हैं तो अप्रिसिएशन तो अद्भुत मिलती ही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी फरमाइशें भी आ रही है। आपने भी कहा कि भाई जो लिस्ट है वो वत्सल परीख साहब के द्वारा हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो और शिकायत, ये बात का खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले हमारे इतने सारे ऑनलाइन शोज़ हुए, मोहब्बत करते हैं लोग, शिकायत करना लाजमी है, उनकी ये मतलब सर आँखों पर शिकायत। लेकिन नाराज़ मत हुआ करें आप, क्योंकि कई बार ये होता है कि आज चाह कर भी हम जो गाने गाना चाहते हैं वो नहीं गा सकते हैं। तो ये जो है ये लिस्ट आज भी कुछ ऐसा ही है, आपकी जो फरमाइश आ रही है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं बिल्कुल, लेकिन अब तक बहुत इंजॉय किया है, आगे भी ऐसा ही लिस्ट है बहुत, क्योंकि वत्सल भाई जो हैं वो खुद संगीत में बहुत गहनता के साथ दिलचस्पी रखते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए हैं आपके लिए, बस इंजॉय कीजिए आप। तो आइए एक ऐसा ही खूबसूरत गीत उनकी माता को समर्पित करते हैं।
दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुटके मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुटके मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। थैंक यू वेरी मच। प्यारे दोस्तों साथियों, यहूदी फिल्म से ये गाना 1958 की ये फिल्म थी और शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गाना था। जैसा कि आप जानते हैं, मोहसिन ने अभी बताया कि ये गाना जो है वो शकुंतला जी का बहुत ही पसंदीदा गाना था। इसके बाद का जो गाना है वो भी उनका बहुत ही फेवरेट सॉन्ग, और इत्तेफाक से ये गाना गुजराती गीत है। मुकेश जी ने आप जैसा जानते 48-49 सॉन्ग्स तकरीबन गाए हैं गुजराती, और ये जो गाना है ये इससे पहले मैंने बहुत सालों पहले किसी एक प्रोग्राम में एक मरतबा मुझे गाने का मौका मिला था, उसके बाद से कभी मैंने गाया नहीं है। आज एक बार फिर से ये गाने का मौका है, तो शकुंतला जी को याद करते हुए उनका पसंदीदा गाना आपको सुनाते हैं। गीत बहुत खूबसूरत है, उम्मीद है आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रीति नो पुष्प खिले छे घड़ी भरनी जुदाई माँ, अजंपो लाग तो मीठो मीठो प्रीतनी सगाई माँ।
आओ तो ये सारू ना आओ तो ये सारू तमारू स्मरण चे तमारा थी प्यारू आओ तो ये सारू ना आओ तो ये सारू तमारू स्मरण चे तमारा थी प्यारू आओ तो ये सारू आवो ने जाओ तमे घड़िये घड़ी तई आवो ने जाओ तमे घड़िये घड़ी तई याद तो तमारी मीठी अहिनी अही रही मोघू तमारा थी सपनों तमारू तमारू स्मरण चे तमारा थी प्यारू आओ तो ये सारू ना आओ तो ये सारू तमारू स्मरण चे तमारा थी प्यारू आओ तो ये सारू मिलन मा मजा शू मजा झूरवा मा मिलन मा मजा शू मजा झूरवा मा बड़ी ने शमाना पतंगो थवा मा मान ना मनाव्यो मारू हयो न ठारू तमारू स्मरण चे तमारा थी प्यारू आओ तो ये सारू ना आओ तो ये सारू तमारू स्मरण चे तमारा थी प्यारू आओ तो ये सारू अगला गाना एक और बहुत ही खूबसूरत गीत है राज कपूर जी पर फिल्माया गया ये गाना है और हसरत जयपुरी साहब ने इस गाने को लिखा है। आज मेरे बंबई में एक दोस्त रहते हैं शौकत भाई जिनका नाम है हमारे काफ़ी म्यूज़िक के संगीत के शौकीन भी हैं और आज उनका जन्मदिन है तो इस मौके पर मैं उन्हें भी जन्मदिन की शुभकामनाएँ देता हूँ और उनका पसंदीदा गाना है ये भी है और कई सारे दोस्तों को ये गाना बहुत पसंद है एक दिल सौ अफसाने इस फिल्म से गाना है 1963 की ये फिल्म कुछ शेर सुनाता हूँ मैं कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है सीखी है तुमसे फूल ने हंसने की हर अदा सीखी हवा ने तुमसे ही चलने की हर अदा आई ना तुमको देख के हैरान हो गया एक बेजुबान तुम से पशेमान हो गया कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान रुकती नहीं जुबान
कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। हाथों का लोच रस भरी शाखों की दास्तां, नाजुक हथेलियों पे वो मेहंदी का गुलसितां। पड़ जाए तुम पे धूप तो संवलाए गोरा तन, मखमल पे तुम चलो तो छिले पाओ गुल बदन। कितनी भी तारीफ करूं रुकती नहीं जुबान, रुकती नहीं जुबान। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं जो तुझसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। एक हुस्न परी दिल में है ये उनसे मुखातिब है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हुस्न परी दिल में है जो उनसे मुखातिब है, ये बहुत ही खूबसूरत नगमा था, एक दिल सौ अफसाने। हम आज अफसाने छेड़े हैं, आज हमने बात छेड़ी है शंकर जयकिशन जी और मुकेश जी जैसे दो दिग्गजों की, और इनके ये दिग्गजों को जब जब भी चाहे इंडिविजुअली मुकेश जी की बात करें या इंडिविजुअली शंकर जयकिशन जी की बात करें तो ये तमाम नामों का आना बहुत स्वाभाविक है, जैसा कि राज कपूर साहब है, हसरत साहब है, शैलेंद्र जी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गुटबंदी या खेमेबंदी वाली बात थी, लेकिन इसके बाहर निकलकर भी शंकर जयकिशन जी ने बहुत अद्भुत, केवल आरके प्रोडक्शन के लिए ही उन्होंने अच्छा संगीत दिया ऐसा नहीं, केवल 20 साल छोटा सा इनका कैरियर ग्राफ रहा। जी हाँ, 1949 में वो इंडस्ट्री में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आए और 69 तक उनकी जोड़ी सलामत रही। 69 में एक छोटे से अनबनाव के चलते वो जोड़ी खंडित हुई और 71 में कहते हैं शंकर जी की बहुत छोटी उम्र में, केवल 41 या 42 ईयर की छोटी सी एज में जयकिशन जी की डेथ हो जाना, ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण रहा। लेकिन अपने 20-21 साल के इस छोटे से कैरियर में इन लोगों का ग्राफ जो है वो बाकी संगीतकारों से बहुत ऊपर रहा, खास करके 60s का वो डेकेड जो है वो केवल और केवल शंकर जयकिशन जी के नाम पर रहा। ये ऐसे संगीतकार थे कि 60 के डेकेड में जब कोई फिल्म रिलीज होती थी तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं पूछते थे कि कौन एक्टर है या कौन एक्ट्रेसेस है, वो पूछते थे कि इसमें क्या शंकर जयकिशन जी का संगीत है। अगर निर्माता ये कहता कि हाँ है तो डिस्ट्रीब्यूटर बिना कुछ और देखे वो फिल्म खरीद लिया करते थे। ऐसे अद्भुत संगीतकार शंकर जयकिशन जी को समर्पित है विशेष शाम, और उनके साथ ही उनके मित्र मुकेश जी जिनको राज कपूर जी के अलावा भी बहुत सारे अदाकारों के लिए शंकर जयकिशन जी ने इस्तेमाल किया है। तो ये प्यारी सी शाम वो चांद खिला के अगले दुगाने की तरफ फिर एक बार हम चलेंगे। डॉक्टर पायल वखारिया जी को फिर आमंत्रित कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ही खूबसूरत दुगानों को ये मुख्तार जी के साथ आपकी नज़र करना चाहती हैं। मेरी तरफ आने लगी
जान तेरी तरफ जाने लगी, बोल शाम जुदाई क्या करे, बोल शाम जुदाई क्या करे, आस मिलने की तड़पाने लगी। आ जा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा, आ जा रे सके तो तू हमको देख ले, तूने देखा ना होगा ये समा, तूने देखा ना होगा ये समा, कैसे जाता है दम तो देख ले। आ जा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम न हो प्यार मेरा, आ जा रे। एक और गाना इसके बाद ड्यूएट पायल जी और हम मिलकर आपको सुना रहे हैं। अनाड़ी फिल्म से गाना है, फिल्म का जो टाइटल गीत था वो शुरू में पायल जी ने आपको सुनाया, और अभी ये जो ड्यूएट गाना है शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत है, लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने गाया है। हेलो, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट ड्यूएट्स ऑफ मुकेश जी एंड लता जी। दिल की नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से बस
चले चांद है या कोई जादूगर है या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले चांद है या कोई जादूगर है या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे। दिल की नजर से नजरों के दिल से ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें बता दे। दिल की नजर से क्या बात कितना खूबसूरत गाना बहुत ही खूबसूरत गाना बिल्कुल। और पायल जी बिल्कुल आपका पसंदीदा गाना है वैसे बहुत सारे लोगों का भी पसंदीदा गाना है काफ़ी लोग सहमत हुए आपकी बात से कि भाई मारू ही फेवरेट छे मारू ही फेवरेट छे तो थैंक यू सो मच। हम खो चले चांद है या कोई जादूगर है या मद भरी ये तुम्हारी नज़र का असर है ये गा करके शायद राज कपूर जी नूतन जी को समझाने की या उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे होंगे है ना। लेकिन हम यहाँ आज कहना चाहते हैं कि हम भी खो चले हैं सभी लोग आपके साथ साथ हम भी खो चले हैं। आप फेसबुक लाइव पर खो चले हैं हम यहाँ स्टूडियो लाइव से खो चले हैं इनकी मधुरी आवाज़ और इनके खूबसूरत सुरीले अंदाज के साथ है ना। कहते हैं कि एक टीम वर्क प्रॉपर तरीके से अगर हो तो बात निराली निकल के आती है। और मुख्तार जी का हमेशा ये प्रयत्न रहा है ये कोशिश रही है कि अपने साथ वो हर वक्त बहुत ही सुलझे हुए कलाकारों का संग लेते हैं फिर चाहे वो उनकी को सिंगर्स की बात हो या फिर उनके म्यूजिशियंस की बात। आज ऐसे ही सुलझे हुए खूबसूरत लोग हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारा ऑर्केस्ट्रेशन संदीप क्रिश्चन और साथी। वैसे मास्क लगे हैं इसलिए मुझे परिचय देना पड़ रहा है बल्कि वो परिचय के कोई मोहताज नहीं है ये आप सब बहुत अच्छे उनको उनके नाम और काम दोनों से ही जानते हैं। भावेश जी हैं हमारे साथ भावेश ठाकर दिनेश बैरवा जी हैं पार्थ त्रिपाठी जी हैं खुद हमारे टीम लीडर संदीप क्रिश्चन साहब कैनी और वासु चावड़ा जी और हमारी ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है ये रिदम मिनिटोरियम है बहुत ही सुंदर सा हमारा स्टूडियो अहमदाबाद का जहाँ से अक्सर मुख्तार जी के कार्यक्रम लाइव लेकर हम आप तक पहुँचते हैं और उसे आप तक पहुँचाने का श्रेय जाता है सूर्यकांत तपोधन जी को आज जो हमें साथ दे रहे हैं बहुत ही मंझे हुए टेक्नीशियन हैं ये भी। और ऐसी ही एक टेक्निकल टीम हमारे सामने है कैमरा पर 4K HD कैमरा पर बाबा भाई और विश्व शाह और साथी बहुत धन्यवाद करते हैं उनका भी। आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं नैना जी ने इस बीच अपनी जगह ले ली है एक और खूबसूरत सा दुगाना एक नहीं बल्कि बैक टू बैक दो और खूबसूरत से दुगाने वो मुख्तार जी के साथ पेश करने वाली हैं। गीत क्या है आपके अपने दो पसंदीदा कलाकारों से सुनते हैं। मैं तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली मैं तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली मैं तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया आपके इशारों पे खुद को तबाह किया बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली
नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार हो जनाबे आली। मजेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथियों, एक मस्ती भरा गाना जंगली फिल्म से, ये गीत था 1961 की फिल्म थी और हसरत जयपुरी साहब ने इस गाने को लिखा था। अगला गाना जो है वो खास तौर से वत्सल परीख जी का बहुत पसंदीदा गाना है, इसलिए वो जब कभी भी प्रोग्राम में इस गाने को रखते हैं तो गाने तो अक्सर जो हमने आज भी गाए हैं वो सभी ऑलमोस्ट गाने तीन तीन अंतरे के होते हैं, लेकिन प्रोग्राम में ज़्यादा गाने आ सकें इसलिए हम हमेशा गानों के दो दो अंतरे आपको सुनाते हैं। अगला जो गाना है वो चार अंतरे उस गाने में हैं। शारदा जी ने मुकेश जी के साथ इस गाने को गाया है, अराउंड द वर्ल्ड ये फिल्म का नाम है, 1967 की ये फिल्म है और अगेन हसरत जयपुरी साहब का ही लिखा हुआ गाना है, तो चारों अंतरे इस गाने के। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना, चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना, चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है, अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है, अभी तो हाल दिल तुमको निगाहों से सुनाना है, नजर प्यासी ये दिल प्यासा, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना, चले जाना।
हमारी जान हो तुम भी अगर जल्दी तो फिर क्या है, हमारी जान हो तुम ही अगर जल्दी तो फिर क्या है, तुम्हारे बिन बहारों में खुशी क्या है मजा क्या है, ओ जाने मन न जाओ तुम किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना चले जाना। कसम खाती हूँ मैं अपनी तुम्हें अब ना सताऊंगी, कसम खाती हूँ मैं अपनी सताऊंगी, तुम्हारी बात जो भी हो वही मैं मान जाऊंगी, भरी आंखें रुकी सांसें किसी का दम निकलता है मंजर देख कर जाना चले जाना, जरा ठहरो किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना चले जाना। थैंक यू। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत और उतनी ही खूबसूरत प्रस्तुति हमारे दोनों कलाकारों के द्वारा यहाँ आपके खिदमत में। मुकेश जी के साथ एक अलग ही आवाज़, एक अलग ही टोन शारदा जी का। मैंने जैसा अपनी बात में पहले कहा कि एक छोटी सी बात को लेकर अनबन, वैसे एक सिक्के की दो बाजू एक जिस्म दो जान भी कह सकते हैं। राज कपूर जी की ज़बान में अगर शंकर दिकेशन जी को की ज़िंदगी को और उनकी ज़िंदगी की डेफिनेशन को बयां करें तो वो ये कहते थे कि हिंदुस्तानी सरजमी में शंकर जयकिशन जुड़वा बेटे थे भारतीय सिनेमा के, उनकी माँ थी सिनेमा और वो पैदा हुए हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में और दोनों ही जैसे मानो एक दूसरे के बगैर अधूरे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक किसी एक मोड़ पर आकर ये जोड़ी को अलग होना पड़ा? तो वजह बहुत सारे लोग अलग अलग बताते हैं। कोई ये कहता है कि भाई उनके ऊपर सक्सेस इतनी ज़बरदस्त थी कि काम का बहुत ज़्यादा बोझ आ गया था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कोई ये कहता है कि किसी एक फिल्म के गानों की क्रेडिट को लेकर फिल्म फेयर में बिना का गीतमाला में एक साथ चार गाने उस फिल्म के सुपर डुपर हिट रहे, उसमें ये हुआ कि अनबन हुई कि ये गाना मैंने किया। और कहीं जयकिशन जी ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि ये जो गाना चोटी की पायदान पर है ये इंडिविजुअली मेरा कंपोज किया हुआ है। तो इसके चलते शंकर जी के साथ थोड़ी सी अनबन हुई। और कोई ये कहता है कि इन दोनों के अलग होने की सबसे प्रमुख वजह थी शारदा जी, क्योंकि शंकर जी जो हैं वो शारदा जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। देखें वो दिग्गज थे, महान थे, ये सारे जो राज हैं ये जो सारी बातें हैं वो उनकी मृत्यु के साथ बिल्कुल दफन हो गई है, लेकिन फिर भी उनके चाहने वाले ये जानना ज़रूर चाहते हैं। तो ये जो अलग अलग माध्यम है सोशल मीडिया के, उस पर भी मुझे अनु कपूर जी ने किसी एक मकाम पर यह कहा है कि उस पर भरोसा हमें इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ 60% ही सच सोशल मीडिया पे बताया जाता है। सच्चाई वो है जो उनके साथ काम करने वाले आपको सुनाएं, सच्चाई वो है जो उनके परिवार के लोग आपको सुनाएं, उसी बात को आपको मानना चाहिए। तो खैर ये सच्चाई है कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये सच्चाई है कि इन दोनों के बीच में अनबन ज़रूर हुई 1964 की एक फिल्म के क्रेडिट लेने के चलते। और उसके बाद जो 71 तक यानी जयकिशन जी की मृत्यु तक ये दोनों ने सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखी कि भाई काम अलायदा करेंगे लेकिन नाम साथ ही चलेगा हमारा। इस तरफ शंकर जी के साथ शैलेंद्र जी आ गए और इस तरफ जयकिशन जी के साथ हसरत जयपुरी साहब आ गए और इन सब ने मिलकर बहुत खूबसूरत गीत उसके बाद भी हमें दिए। बहुत दिग्गज थे ये लोग, किससे कहानियाँ ऐसी ऐसी है ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये तमाम लोगों को आज दुनिया बुरी तरह से कहते हैं मिस कर रही है, याद कर रहे हैं हम।
एक अंधकार सा छा गया है संगीतकार शंकर जय किशन जी के चाहने वालों की दुनिया में, महान पार्श्व गायक मुकेश जी के चाहने वालों की दुनिया में, गीतकार शैलेंद्र साहब के चाहने वालों की दुनिया में, हसरत साहब के चाहने वालों की दुनिया में, यहाँ तक के ग्रेट शोमैन राज कपूर जी के चाहने वालों की दुनिया में भी बिल्कुल एक अंधकार सा छा गया जब उन्होंने सुना कि ये तमाम लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो क्या बीती होगी उस वक्त इन सब दीवानों पर, इन सब के चाहने वालों पर। आइए, कविराज शैलेंद्र ने बहुत खूबसूरती से इस खूबसूरत भावना को, माफ कीजिए, हसरत जयपुरी साहब ने इस भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे जज्बातों को बयां किया है। अगली पादान पर मुख्तार जी आपकी नजर कर रहे हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों। आइए, इसके बाद जो गाना है,
आज के प्रोग्राम में जो काफ़ी सारे गाने जो हमने गाए हैं आप सुन रहे हैं मेरे फेसबुक के पेज पर, बम्बई में बहुत ही मशहूर जो स्टूडियो है फेमस ताड़देव एरिया में, और वहाँ के उसके जो ओनर हैं इस वक्त राजकुमार सक्सारिया साहब, वो हमारे मित्र हैं और मैं उन्हें भी इस वक्त इसलिए याद करता हूँ कि राज कपूर साहब के और शंकर जयकिशन जी के ज़्यादातर गाने वो उसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उन्हें जानते हैं, मैं स्टूडियो की मुलाकात भी कर चुका हूँ। वो यादें हैं पुरानी कि जब हम वहाँ पर होते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि वो दिग्गज कलाकार उस दौर में स्टूडियो में बैठकर इतने खूबसूरत गानों को उन्होंने रूप दिया है, जो आज 50-60-70 सालों के बाद भी आज हमें उतना ही खुश करता है, उतना ही सुकून देता है, उतना ही आनंदित करता है। तो आइए मैं राजकुमार सक्सेरिया साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगला गाना मेरा नाम जोकर फिल्म से हम आपको सुना रहे हैं। इस फिल्म का आमतौर से जब कभी भी गाना होता है तो जाने कहाँ गए वो दिन या जीना यहाँ मरना यहाँ, अक्सर ये दो गाने गाए जाते हैं, लेकिन आज वत्सल परीख साहब चाहते थे कि कहता है जोकर ये गाना गाया जाए। नीरज जी ने इस गाने को लिखा है, आइए आपको सुना। कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जोकर अपने पे हंस कर जग को हंसाया बन के तमाशा मेले में आया, अपने पे हंस कर जग को हंसाया बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया हिंदू न मुस्लिम पूरब न पश्चिम, हिंदू न मुस्लिम पूरब न पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना, कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जोकर धक्के पे धक्का रेले पे रेला है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, धक्के पे धक्का रेले पे रेला है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, पर दिल अकेला गम जब सताए सीटी बजाना, गम जब सताए सीटी बजाना, पर मस्खरे से दिल ना लगाना, कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जोकर।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, और इतनी देर से आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर जब प्रोग्राम होता है तो थोड़ी सी संख्या ज़्यादा इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन वगैरह में देख रहे होते हैं, और लेकिन बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि प्रोग्राम यूट्यूब में आप करें, कुछ लोग कहते हैं कि फेसबुक में करें, थोड़ा सा हमारे लिए कन्फ्यूजन होता है। तो आज पहले हम सोच रहे थे कि दोनों जगह पर आज का ये प्रोग्राम आपके लिए करें, लेकिन फिर शायद ऐसा सोचे कि आप लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए फेसबुक पर कर रहे हैं और कुछ दिन के बाद हम यूट्यूब में ये गान प्रोग्राम पूरा अपलोड करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन भी फेसबुक में शेयर करेंगे। अगला जो गाना राज कपूर जी के बाद सबसे ज़्यादा गाने जो मुकेश जी ने गाए वो मनोज कुमार जी के लिए, और उन्हीं की एक मशहूर फिल्म का मशहूर गाना है, पहचान फिल्म का नाम है, 1970 की फिल्म है, अगेन नीरज जी का ही लिखा हुआ ये गाना है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, लुलु 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 एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, लुलु 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 थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ
जी दोस्तों, ये मैंने जैसे अपनी बात में पहले कहा कि उनको 1964 में एक फिल्म के गानों के क्रेडिट लेने की वजह से थोड़ी अनबन हुई, फिर दोनों ने ये तय किया कि इंडिविजुअली काम करेंगे, तो ये कई बार तय करना, लेकिन नाम साथ ही रहेगा, शंकर जयकिशन, फिर चाहे इंडिविजुअल जयकिशन जी ने वो फिल्म की हो या इंडिविजुअल शंकर जी ने की हो, फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से व्यक्ति ने कौन सी धुन जो है वो इंडिविजुअल फिल्म की बनाई होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद जिस तरह से सादा से ज़िंदगी जयकिशन साहब की थी, तो ये जो गाना है ये हो सकता है जयकिशन जी का संगीतबद्ध किया हुआ हो, क्योंकि वो ऐसे ही थे, बिल्कुल मृदुभाषी, बहुत शर्मीले भी और बहुत भोले भी, और शंकर साहब का किरदार बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अकड़ उनके अंदर और बिल्कुल मुँहफट, मुँह पे जिसको जो बोलना है बोल देते थे, फिक्र नहीं करते थे इसका क्या परिणाम आना है, बिल्कुल बिंदास थे वो। और वैसे भी ये नेगेटिव पॉजिटिव दो व्यक्ति थे तो ही मेरे ख्याल से इतना अच्छा मिलन उनका संभव हो पाया, वरना दो पॉजिटिव फेज मिलते हैं तो आपको पता है क्या होता है ना। हाँ, खैर जो भी हो, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का आप सब मज़ा ले रहे हैं जैसा मुख्तार जी ने बताया। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ, हमें बेहद खुशी है कि आप हर बार हज़ारों की तादाद में हमें बहुत प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। बहुत कम ये होता है कि हम फेसबुक लाइव होते हैं, लेकिन फेसबुक पर भी जब भी आते हैं तो तादाद बढ़ जाती है। यूट्यूब पर ज़्यादातर कार्यक्रम हमने मुख्तार जी के आपकी नज़र किए हैं, आप सब ने बहुत प्यार दिया है, 80-80 हज़ार तक के व्यूअरशिप आपने दो दो दिन में, तीन तीन दिन में हमें क्रॉस कर दिए, ये आपका बड़कपन, आपका प्यार, आपका सपोर्ट है। एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम मंच साझा कर रहे हैं दोस्तों, बार बार हम ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार दिल से ये बात निकलती है कि हमें भी बहुत गौरव होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल अहमदाबाद या गुजरात के इस ऑर्केस्ट्रा क्षेत्र को, बल्कि अब तो इनका जो कद है वो बढ़ गया है और मुंबई के स्टेज में भी इनको लोग बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वहीं से ये फिर दुनिया भर के बड़े बड़े मंचों को कहते हैं साझा करके कामयाब होकर के लौटे हैं। हाँ, ये बात और है कि अभी कोविड के चलते एक सवा साल से हम लोग थोड़े सिमट करके ये बिल्कुल स्क्रीन छोटी सी दुनिया में आ गए हैं। भले हम छोटी सी दुनिया में आ गए हैं, लेकिन हमारा विस्तार जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गया और बढ़ गया, क्योंकि पहले ये होता था कि आप मुंबई में कार्यक्रम कर रहे हैं तो सीमित लोग हैं, 4-5 हज़ार, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हुआ तो 4 हज़ार, मैक्सिमम 5 हज़ार, उससे ज़्यादा लोग हमको एक वक्त पे देख नहीं सकते। यहाँ आने का एक फ़ायदा ये है कि हम एक ही वक्त पे लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है वो यूट्यूब चैनल पर हम 29 तारीख को, यानी नेक्स्ट सैटरडे, जो 3 रोज़ के बाद आ रहा है, 4 रोज़ के बाद, रात 9 बजे ठीक, हमारी नई चैनल है मुख्तार शाह लाइव YouTube चैनल, जिस पर आपने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया है और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब लोगों ने किया है उस चैनल को भी, लेकिन हम चाहते हैं कि और जैसा आपने इनकी पुरानी चैनल को, मुख्तार शाह ऑफिशियल को, जिस कदर आपने छलका दिया था अपने प्यार से, वैसे इस चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, संगीत के चाहने वालों को बताएं। ये कार्यक्रम जो है वो रीस्ट्रीम किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा ठीक रात 9 बजे शनिचर इसी महीने की 29 तारीख को, ज़रूर देखिएगा। और यूट्यूब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा सशक्त प्लेटफॉर्म है, और आजकल न केवल ये व्यक्ति लाइव शो में ही अपना दबदबा बनाए हुए, ऐसा नहीं है, आप देखेंगे अगर मुख्तार शाह साहब के नाम को टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके गाए हुए गीतों के जो वीडियोज़ हैं, इतनी बड़ी फहरिश्त है उन वीडियो की भी, और उन वीडियो में कई वीडियो जो चोटी पर सबसे पहले आपको मिलते हैं, वो वीडियो ऐसे हैं जिसको 1-1 करोड़, 1.25 करोड़ लोगों ने देखे हैं। तो ये खुशकिस्मती है हम सबकी भी, और आपकी मोहब्बत के लिए पहले तो मैं मुख्तार जी की ओर से बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूं कि आप इतना प्यार देते हैं। अगला जो गाना है ये ऐसा ही रिकॉर्ड ब्रेक गाना है, 12 मिलियन, यानी 1.2 करोड़ के करीब लोगों ने अब तक इस गाने को देखा है, बहुत अद्भुत गाना है वो। मुख्तार जी का तो कमाल है ही, उनकी आवाज़ की कशिश तो है ही, उनकी साथी कलाकार की भी और म्यूजिशियनों का भी वो योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इस गीत के लिए हम देना चाहेंगे द म्यूज़िक मैस्ट्रो शंकर जयकिशन जी को, कि जिन्होंने आज से सालों पहले 1964 में ये कारनामा अंजाम दिया कि आज सालों के बाद भी भले ही हम उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, लेकिन देखें कैसा जादू है लोगों के दिलों पर छाया हुआ कि करोड़ों की तादाद में लोग उन गानों को सुनते हैं और लाइक करते हैं और लोगों को सुनाते भी हैं अपने मोबाइल फ़ोन में कि देखो ये गाना मेरे पास आया है, बहुत अद्भुत गाया है।
तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो आइए, जिस गीत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वही गीत, रिकॉर्ड ब्रेक गाना, मुख्तार जी और डॉक्टर पायल जी आपको सुना रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों। साथियों, एक और गाना, एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट। वैसे तो आज के प्रोग्राम में जो फिल्मों के गाने हम सुना रहे हैं वो फिल्मों के सभी गाने ऑलमोस्ट सुपरहिट रहे हैं, और अब की बार हरियाली और रास्ता फिल्म से गाना है। 1962 की ये फिल्म है। हसरत जयपुरी साहब ने इस गाने को लिखा है, लता मंगेशकर जी और मुकेश जी का गाया हुआ ये रोमांटिक गाना। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी
इब्तिदाए इश्क में हम। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी राह नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी राह नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सह नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद ही रोमांटिक और बहुत ही खूबसूरत गाना। शंकर जयकिशन जी की बहुत सारी खासियतें, बहुत सारी खसूसियतें थी। उनका संगीत जो है वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तामझाम के साथ कंपोज़ किया जाता था। एक वक्त पर कई बार 150-150, 200-200 म्यूजिशियंस जो है, साजिंदे जो है, उन गीतों को अंजाम देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहते थे। काफ़ी कहते हैं मेहनत करते थे, वो डेडिकेटेड और समर्पित व्यक्तित्व के मालिक थे। और टाइटल सॉन्ग जो बनाने का एक अपना उनका अलग स्टाइल था, और बहुत पॉपुलर हुए उनके बनाए हुए टाइटल सॉन्ग। ये जो फिल्म हरियाली और रास्ता, इसमें भी एक कहानी है। यहाँ से कहते हैं कि वो थोड़ी बहुत एक दूसरे के प्रति जो मनमुटाव था वो यहाँ से जन्म हुआ था, कि इसी फिल्म के एक गीत के लिए ऑलरेडी शंकर जी ने एक धुन बना दी थी, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफ़र अब तो बता। अब हुआ यूँ कि जयकिशन जी भी चाहते थे कि ये फिल्म का टाइटल मैं बनाऊँ, तो फिर सॉल्यूशन निकाला गया और एक फिल्म में दो टाइटल सॉन्ग, अगर आपको पता हो तो। इसमें एक और गाना है, ये हरियाली और ये रास्ता। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे फसाने हैं, बहुत सारे कहते हैं किस्से हैं, लेकिन क्या कहें, ये अमर व्यक्तित्व के मालिक बस वो किस्से, कहानियां और यादें ही छोड़कर हमारे लिए इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक सिनेमा रहेगा, और जब तक कहते हैं सिनेमा रहेगा, तब तक शंकर जयकिशन जी का संगीत और मुकेश जी के गीत यूं ही वादियों में गूंजते रहेंगे। RVF फाउंडेशन के जरिए ये मुकेश जी और शंकर जयकिशन जी को समर्पित शाम का आप सब बड़े पैमाने पर मजा ले रहे हैं, फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और वत्सल परीख जी एक बहुत ही जिंदा दिल शख्सियत के मालिक हैं, चैरिटी बहुत करते हैं वो अपनी मातृश्री, जिनकी कि आज मेमोरी में ये कार्यक्रम हो रहा है, उन्हीं से इन्हें ये काम करने की प्रेरणा मिली है। वो भी अक्सर ये कहा करती थी कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है, और उसी बात को हमारे VP भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है। तो इसके चलते काफ़ी चैरिटीज़ वो करते रहते हैं, और चूँकि इनकी माता जी जो संगीत में भी बहुत दिलचस्पी रखती थी, तो वो जो एक चीज़ है वो हमारे वत्सल परीख जी में भी आई है। इन्हें भी बहुत कहते हैं गहरी दिलचस्पी है संगीत में, खास करके क्लासिकल गाने जो है
वो उनकी पहली पसंद रहे हैं। और शंकर जयकिशन जी का जब जब जिक्र आता है हमारे वत्सल परीक साहब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्लासिकल बेस गाने बनाए हैं। और रागों का राजा जिसे कहा जाता है वो भैरवी राग, जो कि शंकर जयकिशन जी का भी पसंदीदा राग और हमारे वत्सल परीक साहब को भी बहुत पसंद है ये राग। तो अगला जो गाना है ये वैसे तो सैड सॉन्ग है, लेकिन बहुत सुंदरता से शंकर जयकिशन जी ने राग भैरवी को आधार बना करके कंपोज किया है। ये वो गीत है जिस गीत को गाने के बाद दुनिया ने तो मुकेश जी को पसंद किया ही था ऑलरेडी, लेकिन कहते हैं कि इन दोनों के बॉन्डिंग में, मुकेश जी एंड शंकर जयकिशन जी के इतने 20-25 साल के बॉन्डिंग में, सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट अगर पर्सनली म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन जी ने मुकेश जी को किया हो तो ये गाना था जो अब आप गा रहे हैं। और ये गाने की सफलता के बाद ये नितिन मुकेश जी का कहना है कि शंकर जी और जयकिशन जी ने पूरे मुंबई के फूल वालों से फ्लावर इकट्ठा करके मुकेश जी के सब कमरों में पूरे फूल से भर दिए थे और मुकेश जी का वेलकम किया था, इतना पसंद आया था वो गाना इनको। तो राज रखता हूँ, मुख्तार जी गाएंगे तो मज़ा आएगा आपको। वो गीत क्या है मुझे एक शायर याद आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा दिल तोड़ने वाली बात है और मेरी जब जब दिल तोड़ने की बात आती है मेरे अंदर का एक छोटा सा शायर जाग जाता है। एक शायर कहते हैं कि जाके दुश्मन से मेरे दोस्ती पक्की कर ली, जाके दुश्मन से मेरे दोस्ती पक्की कर ली, एक ही रात में मेरे दोस्त ने कितनी तरक्की कर ली। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानतें मैं प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, सारे भेद खुल गए, राजदार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी, सफर के वक्त में पलक में मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम
तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, संगम फिल्म का ये खूबसूरत और बेमिसाल गाना। अगला जो गीत है, मैं ज़ाती तौर पर एक बार फिर से RVF का, राजश्री वत्सल फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कठिन वक्त चल रहा है इस दौर में, जिन लोगों ने भी हमें ऑनलाइन शो करने के लिए स्पॉन्सर किया और इस ज़रिए एक मनोरंजन आपको घर बैठे मिला है और आप को थोड़ा सा खुश करने की, थोड़ा सा एंटरटेन करने की, थोड़ा सा मोटिवेट करने की एक कोशिश है। और संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि जिस संगीत के ज़रिए आप काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं, काफ़ी मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपका मन चाहा वो संगीत है और जो संगीत आप सुनना चाहते हैं, जो संगीत आपको पसंद है। और पुराने गीतों की यही खासियत है, इनकी अंदर यही ताकत है कि इतने खूबसूरती के साथ ये बनाए गए हैं, इतना अच्छा मीठा संगीत है, इतनी सहजता के साथ गाए गए हैं कि आज जब भी हम सुनते हैं इतने सालों के बाद तो आज भी उतने ही खुश होते हैं। अगला एक और ऐसा ही मस्ती भरा गाना राज कपूर जी पर फिल्माया गया, 1967 की फिल्म है, दीवाना फिल्म का नाम है। फिल्म के सभी गाने सुपरहिट थे। गाना जो हम आपको सुना रहे हैं हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ गीत है। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। हंसता है कोई सूरत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी, हंसता है कोई सूरत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी, छोटा ही सही पर दिल है बड़ा, मैं झूमता पैमाना, दीवाना मुझको लोग कहें,
मैं समझूं जग है दीवाना हो मैं समझूं जग है दीवाना दीवाना मुझको लोग कहें मैं इंसान सीधा सादा हूँ ईमान का मैं शहजादा हूँ मैं इंसान सीधा सादा हूँ ईमान का मैं शहजादा हूँ है कौन बुरा मालिक जाने मैं प्यार का परवाना दीवाना मुझको लोग कहें मैं समझूं जग है दीवाना हो मैं समझूं जग है दीवाना दीवाना मुझको लोग कहें थैंक यू प्यारे दोस्तों साथियों आइए अगला गाना जो है एक और मस्ती भरा गाना है मुकेश जी का गाया हुआ अगेन राज कपूर जी पर ही इस गाने को भी फिल्माया गया है और कन्हैया फिल्म का नाम है 1959 की फिल्म है शैलेंद्र जी ने इस गाने को लिखा है आप सब का जो प्यार हमें सोशल मीडिया के ज़रिए मिलता है मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चाहे वो मेरे फेसबुक पेज पर हो चाहे मेरी यूट्यूब चैनल पर हो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरी जो नई चैनल YouTube पर बनाई गई है मुख्तार शाह लाइव उसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फौरन फौरन कर लें क्योंकि आगे से मेरे सारे जो प्रोग्राम होंगे लाइव शोज़ या जो भी गाने हम अपलोड करेंगे वो हमारी नई चैनल पर होंगे मुख्तार शाह लाइव पर तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और 29 तारीख को यही प्रोग्राम उसी YouTube चैनल पर आप देख सकेंगे रुक जाओ जाने वाली रुक जा मैं थोड़ा ही तेरी मंजिल का नजरों में तेरी मैं बुरा सही आदमी बुरा नहीं मैं दिल का आदमी बुरा नहीं मैं दिल का देखा ही नहीं तुझको सूरत भी न पहचानी तू आके चली छम से जो धूप के दिन पानी देखा ही नहीं तुझको सूरत भी न पहचानी तू आके चली छम से जो धूप के दिन पानी रुक जा रुक जाओ जाने वाली रुक जा मैं तोरा ही तेरी मंजिल का नजरों में तेरी मैं बुरा सही आदमी बुरा नहीं मैं दिल का आदमी बुरा नहीं मैं दिल का
मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की तुरानी है। अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की तुरानी है। अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुक जा रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही खूबसूरत गाना था फिल्म कन्हैया से, 1959 की ये फिल्म थी और शैलेंद्र साहब की एक खूबसूरत कंपोजिशन वो चांद खिला। राजश्री वत्सल फाउंडेशन की ओर से मुकेश जी एंड शंकर जयकिशन जी को आज याद करते हुए हमारे वत्सल परिक साहब की माता श्री शकुंतला जी को समर्पित है आज का विशेष कार्यक्रम उनकी 91st बर्थडे सेलिब्रेशन पर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हैं वहाँ बिल्कुल उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें और उनके आशीर्वाद सदाए वत्सल परिक साहब पर और पूरे परिवार पर बने रहें। कार्यक्रम के बिल्कुल अनकरीब हैं हम, ख़त्म होना है हर एक चीज़ को अपने मुकम्मल वक्त पर। तो यहाँ भी आज की हमारी ये शाम बस बिल्कुल अपने ख़त्म होने की कगार पर। शंकर जयकिशन जी जैसे मैस्ट्रो की बात कर रहे हैं, बहुत लाजमी है। बहुत सारे लोगों का जिक्र तो होता ही है, केवल राज कपूर राज कपूर राज कपूर ही नहीं, लेकिन राज कपूर का विशेष जिक्र शंकर जयकिशन जी के साथ करना इसलिए ज़रूरी लगता है कि इन लोगों ने जो काम अंजाम दिया है वो वाकई किसी मुजस्मे से कम नहीं है। उसकी वजह यही थी कि महीनों तक पहले बैठकर स्क्रिप्ट पर डिस्कशन होती, चर्चाएं होती, तैयारियां होती, तब कहीं जाकर के ऐसे अद्भुत अद्भुत गीत बनते थे। अगली जो फिल्म है ये फिल्म भी किसी सरापे से कम नहीं है। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को सल्यूट करनी चाहिए कि एक बहुत ही अलग सी स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखी इस फिल्म के लिए। और डेरिंग तो राज कपूर जी का था कि वो हर नए सब्जेक्ट को अपनी फिल्म में बिल्कुल बेझिझक डालते थे और लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाते थे। जब शंकर जयकिशन जी को राज कपूर जी ने कहा स्टोरी सुनाई तो खास करके शंकर साहब खड़े हो गए, अरे यार राज जी कैसी बात कर रहे हो, इसमें तो सब डकैत ही डकैत है, बिहड़ ही बिहड़ है, ऐसी स्क्रीन प्ले और ऐसी सिचुएशन पर संगीत कहाँ से आएगा, कहाँ फिट बैठेगा, कौन सा गाना हम डालेंगे। राज कपूर कभी गुस्सा नहीं हुए थे इन पर क्योंकि बहुत अच्छे लोग थे सभी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, राज कपूर जी बहुत गुस्सा हो गए और खड़े हो गए और अपने हाथ झटक कर अपनी स्क्रिप्ट उठाकर चले गए गुस्से में, कुछ भी बोले बगैर। इधर शंकर जी और जयकिशन जी, शैलेंद्र साहब, हसरत साहब, रघु कर्माकरण जी, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, ये सब परेशान, बोले क्या हो गया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर पूरी टीम को इकट्ठा किया और वही ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, वही स्टोरी और सिचुएशन भी राज कपूर ने खुद बनाई और कहा कि यहाँ 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 गाने डालो आप, और ये सिचुएशन है और ये गीत डालो। फिर क्या था, किसी इतिहास से कम नहीं है। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। तय हो जाने के बाद भी ये जो गाना आप अब गा रहे हैं मुख्तार जी एंड पायल जी, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। एक तो 150-250 के करीब म्यूजिशियंस ने परफॉर्म किया है इसमें, बहुत अद्भुत कंपोजिशन है, लेकिन फिर भी जब टेक हो रहा था फाइनल तो बीच में राज कपूर जी खड़े हो गए, बंद करो बंद करो बंद करो। सब परेशान, बोले यार सब इतना प्रैक्टिस, इतना रिहर्सल, इतना बड़ा तामझाम, और क्या हुआ अचानक राज जी को। बोले यार शंकर जयकिशन मुझे जचता नहीं है कुछ, इसमें अभी भी कुछ कमी है। तो बहुत सोचने के बाद जब वो नहीं समझ पाए तो राज कपूर जी ने कहा कि इसमें लता मंगेशकर जी से कुछ आलाप वालाप गवाओ। तो फिर वापस दोबारा रीशेड्यूल हुआ और लता जी का एक जबरदस्त आलाप आया और ये गाने में चार चांद लग गए। गीत क्या है आइए इन दो कलाकारों से सुनते हैं।
लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले।
वाह क्या बात है, क्या बात है। ये दोस्तों साथियों शंकर जयकिशन जी के संगीत का जादू है। जैसे उनका इंट्रोडक्शन म्यूजिक, इंटरल्यूड म्यूजिक, कोरस सिंगिंग एक अलग ही आयाम पर पहुंचा, वैसे ही ये जो कई गाने ऐसे हैं जिसके अंत में, इसको संगीत की जबान में शायद कोड़ा कहते हैं, ये भी उनकी एक अपनी एक अलग स्टाइल थी, सिग्नेचर स्टाइल थी उनकी। कई गानों में ऐसे अद्भुत उन्होंने, क्या कहें, बस ये सारे लोग दिग्गज है, सल्यूट और वंदन के लायक है। ये धरोहर ऐसी छोड़कर गए हैं कि कई लोग सालों साल इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे, और हम जैसे कलाकारों को बिल्कुल ये आपके दिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम ये गीत, ये संगीत बनता रहा है और बनता रहेगा आने वाले सालों तक। बहुत आभार व्यक्त करेंगे वो चांद खिला, आज का विशेष कार्यक्रम राजश्री वत्सल फाउंडेशन ने संजोया, मुकेश जी एंड शंकर जयकिशन जी जैसे दिग्गजों को समर्पित किया हमने। हमारे वत्सल परीख साहब की माता की आज वैसे बरसी कह सकते हैं, उनकी बर्थडे का मौका है। 51 साल उनको इस दुनिया से गुजरे हुए हुए हैं और आज 91st बर्थडे था, इसी वजह से आज वीकडे पर हमने कार्यक्रम संजोया। लेकिन बावजूद इसके आपने बहुत बड़ी तादाद में हमें सुना, सराहा और प्यार दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन याद रहे, जिन लोगों ने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी कार्यक्रम को आप दोबारा देख पाएंगे 29 तारीख को, यानी आने वाले शनिचर के रोज़, चार रोज़ के बाद, ठीक रात 9 बजे मुख्तार शाह लाइव, हमारा नया यूट्यूब चैनल है उस पर। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो मुख्तार शाह ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर सब्सक्राइब करने वालों की तादाद 2,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है, इस पेज को भी, आप फेसबुक पेज को भी ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें, क्योंकि जो भी कार्यक्रम आगे होने हैं, चाहे वो वर्चुअल हो या जब ईश्वर करे सब नॉर्मल हो जाए तो लाइव कार्यक्रम आपके शहरों में, जब जब मुख्तार जी आएंगे तो आप फेसबुक के माध्यम से वो जान पाएंगे, क्योंकि ये अक्सर फेसबुक पर अपने स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं अपने चाहने वालों को कि आज कहाँ किस तरह का प्रोग्राम है, कौन कौन शामिल होने वाला। तो आप दोनों ही जगह पर अगर रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और आपको भी यकीनन बहुत कहते हैं एक सरमाया प्राप्त होगा, एक खूबसूरत एहसास होगा आपको। बहुत आभार व्यक्त करते हुए आइए कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम गीत की तरफ। COVID-19 बहुत बुरा, पहली, सेकंड, फिर थर्ड, कुछ लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि 2030 में ऐसे भी मैसेज आने वाले, न्यूज़ पर चलेगा कि भाई कोविड की 27वीं लहर आने वाली है, जो 5-7 करोड़ बचे हैं शेष, वो लोग प्लीज़ अभी भी इसका ख्याल रखें और आत्मनिर्भर बन के इसका डट कर सामना करें और इससे बाहर निकलें। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी कहते हैं कि जैसे ये बीमारी नहीं हिंदी फिल्मों की सिक्वल हो, Part 1, Part 2, Part 3, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो भी है ये इस दुनिया से दफा हो जाए, फिर एक बार हम सब की ज़िंदगी में वो बहारें, वो खुशियां लौट आए, क्योंकि हमारे इन तमाम दिग्गजों ने भी अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपने गीत के ज़रिए, अपने संगीत के ज़रिए, अपने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के ज़रिए हमेशा दुनिया की खैर ही चाही है, दुनिया की भलाई ही चाही है और दुनिया की जय जय ही उन्होंने चाही है। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। सफर साथ जितना था हो ही गया ते, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए, याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। और तुम भी हंस लेना
दीवाना याद आए, मिलेंगे जो फिर से मिला दे सितारे, ना तुम हारे ना हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। हाँ तो बहुत कहने को लेकिन अब तो चुप बेहतर है, हाँ तो बहुत कहने को लेकिन अब तो चुप बेहतर है। ये दुनिया है एक सराय, जीवन एक सफर है, रुका भी है कोई किसी के पुकारे, न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे, सफर साथ जितना कहो ही गया तय, न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथियों, आरवीएस द्वारा प्रस्तुत वो चांद खिला आज का ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। हमारे सभी कलाकारों के साथ मोहसिन और मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा संगीत सुनते रहिए। इजाज़त दीजिए आज के इस प्रोग्राम में हम कलाकारों को, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।